लाइन में एंड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के बाद में वेक्टर में डिस्कस किया था, वही सारी बातें अप्लाई करनी है। बस हर बार क्या करेंगे, हम जो भी हमें मोशन से रिलेटेड डेटा दिया जाएगा उसको पहले रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक एक्स के अलोंग, दूसरा वाई के अलोंग। और रिजॉल्व करते टाइम रूल क्या होता है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट एंड रिमेनिंग कंपोनेंट, फिर वहाँ पे इंट्रोडक्टरी टर्म्स मिलने के बाद, बाद में काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करेंगे एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करने के बाद जो एक्स एक्सिस के अलोंग की मोशन थी उसको एज ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड जो वाई के अलोंग मोशन थी उसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे एंड एट द एंड दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। हर बार रिजल्टेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, रूट ऑफ एक्स के अलोंग का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आज जो है हम उसके एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन के। अब मोशन इन ए प्लेन के जो हमें एप्लीकेशंस डिस्कस करने हैं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें बस दो एप्लीकेशन यहाँ पे देखने हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आएगा अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दूसरा आएगा दैट इज अबाउट सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन अगर देखेंगे तो नीट के एग्जाम में प्रोजेक्टाइल रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम बार आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको स्किप करेंगे, क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इंटरमीडिएट स्टेप पे यहाँ पे कंसेप्चुअल एप्लीकेशन में प्रोजेक्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल को भी डिटेल में पढ़ेंगे एंड सर्कुलर सदर विशेष नहीं थे और कन्फर्म क्वेश्चन ये तो। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन ये दोनों भी क्या है, एप्लीकेशन से किसके, मोशन इन ए प्लेन के, मतलब ये दोनों भी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो जो कल बात हम डिस्कस कर रहे थे कि हर बार हम क्या करेंगे, जो भी डेटा आता है उसको एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऐसे दो कंपोनेंट उसके फाइंड करके जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे वो हमें एज इट इज अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, जो कल हमने देखा था वो पूरा का पूरा एज इट इज प्रोजेक्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन डिफाइन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, कल डिस्कस कर रहे थे कि वो मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास में देने के लिए, तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, देखो पहले डिफाइन करना है उसको, कौन डिफाइन करेगा, यस कपड़ा देना, क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, कौन डिफाइन करेगा, प्रथमेश फ्री फॉल करते असेल ट्रायंगल पाथमध्ये, ट्रायंगल पॅराबोलिक पाथमध्ये फ्री फॉल, असं कसं होईल बरं, फ्री फॉल पॅराबोलिक पाथमध्ये होतो का, फ्री फॉल होता आहे स्ट्रेट लाईन में, तो क्या होगा, कोई बॉडी अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करते टाइम वो वर्टिकली डाउनवर्ड आती है, मतलब स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करती है, पैराबोलिक पाथ थोड़ी होता है। तो प्रोजेक्टाइल मतलब थ्रो करना, फेंकना, कहाँ से, ऊपर से, ग्राउंड से, कहाँ पे फेंकना, आड़वा फेंकना है, ऊबा फेंकना, ऐसे फेंकना, यानी ऐसे फेंका तो नहीं चलेगा आज सांगणार का अपन फेंकना, ऐसे फेंकना, आड़वा फेंकना, क्या होगा फिर प्रोजेक्टाइल मतलब, प्रोजेक्टाइल मतलब एनी बॉडी विच इज थ्रोन बोलो या फिर प्रोजेक्टेड बोलो इन द स्पेस इन सच अ वे दैट प्रोवाइडेड विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी एंड इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, वेरी गुड, उसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होगी वो बनेगी प्रोजेक्टाइल मोशन। सो राइट डाउन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, द मोशन इन विच, द मोशन इन विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द स्पेस, द मोशन इन विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द स्पेस विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी, with certain initial velocity making some angle with horizontal and moves only under the influence of gravity,
एंड मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सिर्फ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट होगी. ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस के अंडर बॉडी अगर मूव हो रही है स्पेस में तो उसको बोला जाएगा एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, एक बार रीड करो क्या लिखा है. देखो, सबसे पहले बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी. और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे देंगे उसके लिए लिखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं देंगे. कहाँ पे देंगे, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा विथ हॉरिजॉन्टल. उसको अपन वर्टिकली अपवर्ड भी फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, वो स्पेशल केस होगी प्रोजेक्टाइल की. लेकिन इन जनरल क्या होता है, जो एंगल हम देते हैं वो 0 एंड 90 को छोड़ के, मतलब ऑब्लिक एंगल होता है. समझ में आ रहा है. एंड एक बार बॉडी को हमने थ्रो कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद में बॉडी की खुद की एनर्जी, खुद का फोर्स, खुद की पावर वहाँ पे नहीं होगी. मतलब बॉडी मूव होगी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी को छोड़ के, उसके ऊपर कुछ भी एक्ट नहीं होगा. ठीक है. एंड इसी से रिलेटेड कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल को प्लेयर ने किक मारने के बाद वो क्या करता है, वेरी गुड, हवा में जाता है, बराबर है, अपनी मोशन परफॉर्म करता है. एंड सर्टन डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से ग्राउंड के ऊपर आके गिर जाता है. समझ में आ रहा है. या फिर क्रिकेट में अगर बैट्समैन ने सिक्स मार दिया है ना, तो वहां पे क्या होता है, वेड होता है ना, क्या होता है, क्या होता है सिक्स मारने के बाद. एक बार बैट ने फोर्स अप्लाई कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फिर उसके बाद में जो बॉल मूव करेगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा. ठीक है. या फिर कैनन बॉल रन गाड़ा है ना, वहां से अगर बॉम्ब फायर हो रहा है तो एक बार फायर कर दिया, उसके बाद बॉम्ब के पास खुद की एनर्जी नहीं होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी के बाद में वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव हो रहा है, मतलब वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है. तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन है क्या प्रोजेक्टाइल, बुलेट है, बुलेटला आपण स्वतःची एनर्जी नसते, एक बार फायर कर दी कर दी. ठीक है. उसके बाद में वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव करेगी, मतलब बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है. ठीक है. मिसाइल है क्या, क्यों नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड होती है मिसाइल है ना. काल अपन बघितलं होतं उसकी रेंज 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर आपल्याकडे नेत बट असतो तेवढ्या भारी भारी मिसाइल. तो 5000, 6000 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उनको अगर फेंक देंगे तो वो जाएगा, ऐसे होगा क्या, नहीं होगा. तो उनको खुद की पावर चाहिए, इसलिए वो न्यूक्लियर पावर्ड होती है और उसके बाद में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ठीक है. उसके बाद में एरोप्लेन है क्या एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल, आहे ना प्रोजेक्टाइल, नहीं असं इथून फेकला औरंगाबादमध्ये मुंबईला जाऊन पडला असं होतं का. उसके बाद भी क्या है, खुद की एनर्जी होती है, मतलब वो ग्रेविटी के अंडर मूव नहीं हो रहा है. ठीक है ना. ग्रेविटी को कंट्रोल करके वो खुद की एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है. हाँ, वेरी गुड. पेपर एयरप्लेन, कौन तो पेपर एयरप्लेन कड़ा लगा. और क्या एग्जांपल प्रोजेक्टाइल का, छोड़ो एग्जांपल, छोड़ो मॉडल को ढूंढ सॉल्व कर, मोशन इन प्लेन सॉल्व कर तू. हाँ, वेरी गुड. का है, भाला फेक, वेरी गुड. ठीक है. और क्लियर झालं ना सगळ्यांना प्रोजेक्टाइल म्हणजे काय. कंडिशन क्या होगी कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो हम उसको एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, ये वर्टिकल है यहाँ पे वाई कंसिडर करेंगे. तो इस पॉइंट से अगर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बॉडी इस तरह से ट्रैवल करेगी. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना है नॉन जीरो. तो उस केस में हम यहाँ पे एक बार बॉडी को वेलोसिटी देंगे, फिर बॉडी ट्रैवल करेगी, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद क्या जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी क्या. अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये यही पे गिरना चाहिए था, गिरता है क्या, ये सेम पाथ फॉलो करता है, ऐसे क्यों, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई इसलिए तो उसके ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ते, मोशन इन प्लेन में पढ़ते. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल अलग होगी एंड वर्टिकल अलग होगी, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन इसके बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी नॉन जीरो ही है. समझ में आ रहा है ना. तो यही सारी बातें हम प्रोजेक्टाइल में अप्लाई करने वाले. ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है, आइडिया आ रहा है. अब इसमें कंडीशन ये होती है कि व्हाइल स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हमें जो है एयर का रेजिस्टेंस, देन अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट, देन ए अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट हमें निग्लेक्ट करने पड़ते. कळते का मी काय सांगतोय ते. ठीक है. अभी एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या,
लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बॉडी जो है जब भी स्पेस में मूव करेगी तो एयर भी क्या करता है, उसके मोशन ईस्ट टू वेस्ट, वेरी गुड। अरे आपली अर्थ आहे कशी रोटेट होते माहिती की नाही, बघितली कधी अर्थ रोटेट होताना? नाही, मग तर कोणतरी म्हणतो म्हणून लक्ष ठेवतो, विश्वास ठेवतो आपण। वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कैसे रोटेट होती आहे पवन? वेस्ट टू ईस्ट, खरं आहे का हे? उलटी, वेस्ट टू ईस्ट, सन इकडं आहे, कळालं ना? मग सनराईज होतो, सनसेट होतो, याचा अर्थ आपण इकडं इकडं चाललो आहे, कळतंय का? तो अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू, तो ये अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी हमें कंसिडर नहीं करना है। ये मीनिंग क्या होते, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है? नहीं कड़ा लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है ना, ये तो इंडिया है, ये तो पाकिस्तान है, अपन काय केले पाकिस्तान और मिसाइल लॉन्च के लिए, बट उसी बीच क्या होने वाला है, देखो मिसाइल निकलेगी फिर हवा में ट्रैवल करी, कुछ डिस्टेंस उसको लगेगा ट्रैवल करने के लिए, है ना, दूसरा सेकंड में डायरेक्ट मिसाइल थी तो बमबार्ड झाली, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ टाइम उसको लगेगा, ठीक है ना, 5000-6000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उतने टाइम में अर्थ क्या कर रही है, रोटेट हो रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से। कितनी अर्थ के रोटेशन की स्पीड? नहीं माहिती का आपल्याला? हो 1000 काहीतरी आहे, काही आपलं 1000-2000 मोठे मोठे आकडे फेकून द्यायचे। हां हे ऐका, पवनचा आन्सर ऐका, किती काय 100 पण, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, काय 100 किलोमीटर पर आवर, एवढ्या स्पीडनी पळाली असते बेटा तर आपण कुठं फेकले गेलो असतो? 5 किलोमीटर कमी झाली आता, हे का नाही, थोड्या वेळानंतर अजून कमी। अर्थ रोटेट होती आहे विथ संस्कृती, कितनी अर्थ के रोटेशन की स्पीड? 2π/T करना पड़ेगा ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए। टी मतलब कितना होगा, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स, 24 आवर्स मतलब 24 × 60 मिनट्स एंड 24 × 60 × 60 सेकंड मतलब 86400। तो 2π/86400 दिस विल बी द एंगुलर वेलासिटी ऑफ द अर्थ, इतनी वेलासिटी से अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। येईल का 100,000? काढ मोबाईल लगेच, है ना, कितना आएगा, 7.25 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड, समझ में आ रहा है ना, 7.25 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड, कहते का? तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम है? बहुत ज़्यादा कम है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्थ रोटेट होगी, मतलब एक्चुअल में जिस पॉइंट के ऊपर मिसाइल का लोकेशन था, है ना, हम अगर मिसाइल के केस में भी ऐसे बोलते कि अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट कंसिडरेबल नहीं है, तो वो ये पॉइंट क्या होता, चेंज हो जाता, समझ में आ रहा है ना, जोपर्यंत आपली मिसाइल जाऊन पडत नाही तोपर्यंत त्या पॉइंटला पाकिस्तान सरकून अफगाणिस्तान येईल, काय होईल मग, एकासोबत भांडणं करायची होती, दोन जण अंगावर घ्यावं लागतील, बरोबर आहे की नाही, काय पुरा जो पार्ट था स्ट्रॅटेजी ती वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट कंसिडरेबल है, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करते हैं एवढा काही फरक पडत नाही, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आता ही कितना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, तो इसका मतलब वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडरेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या लिखा है, और क्या लीलेल नहीं है, ठीक है, थर्ड वन क्या बोला था, कर्वेचर का इफेक्ट। अभी कर्वेचर का इफेक्ट मतलब क्या है, म्हणजे काय ना, आपली अर्थ फ्लॅट आहे की स्फेरिकल आहे? पवन असं नको करून मला लोक धरून आणतील ना तुला, ते गॅलिलिओला विचारायला जिवंत झालं त्या गोष्टीसाठी, तू तेच धरून बसलाय अजून, मग त्याला फ्लॅट म्हणणार का आपण, स्फेरिकलच कन्सिडर करणार, ठीक आहे ना, अर्थ कैसी आहे, स्फेरिकल आहे, कोणाला कन्फ्युजन असेल तर सोडून द्या बाळांनो, कळालं ना, हे आता 500 वर्ष झाली आपल्याला माहितून की अर्थ काय आहे, स्फेरिकल आहे, अर्थ फ्लॅट नाही आहे, कैसी आहे, स्फेरिकल आहे, समज में आ रहा है ना। तो स्फेरिकल मतलब क्या होगा, देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टन्स है एंड ये कर्वेचर है, तो एक बॉडी यहाँ से जाके यहाँ पे गिर रही है एंड सेम बॉडी जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे गिरेगी, मतलब उसको वहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जब हम मिसाइल की बात करेंगे तो अगेन हमें ये कर्वेचर का इफेक्ट भी कंसिडर करना पड़ता है,
समझ में आ रहा है ना, कर्वेचर का इफेक्ट कंसिडर करना पड़ता है, मतलब 5000 किलोमीटर जा रही है मिसाइल, फिर वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी ले सकते, वो जिस पाथ के अलॉन्ग जाएगी वो कर्वेचर का पाथ हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अपना प्रोजेक्टाइल एवडा दूर जाताच नहीं, तो वहाँ पे जब हम प्रोजेक्टाइल की मोशन कंसिडर करते हैं अर्थ स्ट्रेट फ्लैट ही कंसिडर करनी पड़ती है, मतलब हम कर्वेचर का इफेक्ट भी निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट लिखून टाका। व्हाइल स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन while studying projectile motion, air resistance effect of curvature of the earth then effect of curvature of earth आर निग्लेक्टेड, इनको कंसिडर नहीं करना है, निग्लेक्ट करना है। ग्रेविटी को भी क्या करना पड़ेगा, निग्लेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना। तो और एक पॉइंट ऐड कर दो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो निग्लेक्टेड। लीना नहीं, बाकी चित्र लीता है। हमने डिफाइन करते टाइम ही बोला था कि बॉडी विल मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तरी पण लिया म्हटले की लागले लिया। ग्रेविटी को निग्लेक्ट करके चलेगा क्या, ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, जर लीला असेल तर कट करा। अर्थ मतलब प्रोजेक्टाइल जब स्टडी करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे ग्रेविटी का ही इफेक्ट है, उसको निग्लेक्ट करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, भाई बॉडी फेंकली होती, बॉडी तिकड़च जाए, है ना। जादू कोई मिल गया, ठीक है। तो समझ में आ गया फिर क्या क्या निग्लेक्ट करना है, क्या कंसिडर करना है। अब देखो होता क्या है कि फिर से हम प्रोजेक्टाइल का पाथ और प्रोजेक्टाइल में क्या क्या होता है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले, एंड इसके लिए कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल जो इस पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करता है। अब कंडीशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते, तो इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद में प्रोजेक्ट करते टाइम हम कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को देते हैं, तो ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देन हॉरिजॉन्टल के साथ हम कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बनाते हैं, तो ये बनेगा एंगल ऑफ, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब, कळलं सगळ्यांना, ठीक आहे। मतलब पॉइंट फ्रॉम विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज एंड एंगल विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज, हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किए तो बॉडी ना तो एक्स के अलॉन्ग मूव हो रही है ना तो वाई के अलॉन्ग मूव हो रही है। तो कल हमने देखा था कि अगर इस तरह से बॉडी प्लेन में मूव होती है तो हर बार हमें यहाँ पे बॉडी के जो भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, ये कलते ना, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इसे कितने भी ड्रॉ किए तो ये थीटा ही आएंगे। कौन से एंगल होते हैं, ये एंगल आता है, ठीक है। तो थीटा का एडजेसेंट है मतलब कंपोनेंट आएगा, तो यू एक्स इक्वल्स टू रहेगा यू कॉस ऑफ थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट फिर कौन सा होगा, यू साइन थीटा। तो ये डिसाइड हो गया प्रोजेक्टाइल में, हर बार जब भी हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज यू कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी एंगल दिया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ में दिया जाएगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो वो कौन रहेगा, यू साइन थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी को एक्सेलरेशन नहीं दे सकते, समझते हैं कमी का संग, तो जब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होता है तो उसको हम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्यों हे बोल लो मैं, करेक्ट है का, पहले कळालं का मी काय बोललो ते, का रिपीट करू नहीं करा रिपीट, है कि नहीं, बरं वाटतं जरा। जब भी हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते, एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मीनिंग समझ में आ गई स्टेटमेंट की, तो ये ट्रू या फॉल्स है, खरे कहे क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते एक्सेलरेशन, वेलोसिटी दे सकते मतलब एक्सेलरेशन भी दे सकते हैं ना, क्यों नहीं, नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है फिर एक्सेलरेशन देने में, प्रॉब्लम क्या है, चलो
चलेगा ना, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस अंडर काम करू दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। लेकिन उसको एक्सेलरेशन क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ, एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर बॉडी के अंदर है, बॉडी को दिया है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। समझ में आ रहा है? बॉडी को अगर एक्सेलरेट होना है तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फोर्स के बिना एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर फोर्स अप्लाई करना है तो फोर्स अप्लाई करने के लिए बॉडी के पास पहले से एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो, समझ में आ रहा है ना? मतलब बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते टाइम कभी भी कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो। कालचं लेक्चर वेगळं होतं, तिथे इन जनरल मोशन इन ए प्लेन थी, उसको हमने प्रोजेक्टाइल नहीं बोला था। ये प्रोजेक्टाइल बस मोशन इन ए प्लेन का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब भी बॉडी प्रोजेक्ट करेंगे, बॉडी को खुद की एनर्जी नहीं होगी, खुद का फोर्स नहीं होगा, खुद का एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। बॉडी एक बार प्रोजेक्ट कर दी विद सर्टन इनिशियल वेलोसिटी, इट हैव टू मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? इसका मतलब एक्सेलरेशन का डिस्कशन ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन एक्ट होगा बॉडी के ऊपर। एक्सेलेंट, वेरी गुड। हमने प्रोवाइड नहीं किया, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, ऐसे थोड़ी है। अर्थ का एक्सेलरेशन उसके ऊपर एक्ट होगा। अब अगर अर्थ के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब हमें ए वाई को लेना पड़ेगा जी या माइनस जी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए ए वाई अपन ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इसलिए ए वाई बना माइनस जी। अब ए एक्स के साथ क्या होगा? क्यू जीरो, वेरी गुड। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आपल्यानुसार ते चेंज नहीं होत, मोशन इन प्लेन घेतली मग दोन कंपोनेंट घेतले वैसे नहीं होगा, ठीक है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, यानी कि बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होगा। हे खूप इम्पॉर्टंट डेटा आहे बघा, वाटतो ही सिंपल आहे बट याच्यानंतरच्या डिस्कशनमध्ये कन्फ्यूज करू शकतो, त्यामुळे जे बोर्डवर एक्सप्लेन केले व्यवस्थित बघा, समजावून घ्या। अगर ये क्लियर हो गया तो प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया, बाकी बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बचती है, कंसेप्चुअल पार्ट इतना ही है। प्लस घेऊ का? बॉडी ऊपर जा रही है, वेलोसिटी कहाँ पे होगी, एक्सेलरेशन कहाँ पे, तो वो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन है, तो उसको माइनस लेते हैं। या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी किया था तब हमने डिसाइड किया था अगर बॉडी अपवर्ड जाएगी तो जी माइनस होगा उसके अकॉर्डिंग। काल का कुठं दाखव मला, तेव्हा आपण प्रोव्हाइड केलं होतं एक्सेलरेशन, वापी जी कन्सिडर नाही करत आहे। हो गया क्लियर? ऍक्च्युअल काय, पूरा पाथ अगर कन्सिडर कर रहे हम, तो हमने स्टार्ट में अपवर्ड लॉन्च किया था तो पूरे मोशन के लिए माइनस जी होगा। अगर हाफ ऑफ पार्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे तो यहाँ तक प्लस होगा, यहाँ तक माइनस होगा, यहाँ तक प्लस होगा, ठीक है। त्याची फक्त एक दोन केस मध्ये गरज आहे तेव्हा बघू, बट इन जनरल हम इसको ऐसे ही कंसिडर करें। क्लियर? अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी पूछा जाता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें बोला है कि आफ्टर टाइम इंटरवल टी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो क्या करना पड़ेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बट कंडीशन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की वेलोसिटी डिफरेंट होगी एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये बनेगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट एक्स के अलॉन्ग है इसलिए हमें वी भी एक्स मिलेगा, यू एक्स लेना पड़ेगा, ए एक्स लेना पड़ेगा। वही केस y के अलोंग ले रहे तो क्लियर, ये कालच है, नवीन कहीं नहीं है। अब जो डेटा हमारे पास है बस उसको पुट करना है, ux कितना है, u cos थीटा, तो vx कितना बनेगा, u cos थीटा प्लस कुछ नहीं क्योंकि ax तो जीरो है, जीरो इंटू टी, जीरो जीरो प्लस एनीथिंग, एनीथिंग, तो एनीथिंग कौन है, यू कॉस थीटा, मतलब वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, कितने टाइम के बाद, अगर टू टी इतने टाइम के बाद चाहिए तो यू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना। टेन टी टाइम के बाद चाहिए तो, मतलब कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स
कॉन्स्टेंट. क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कंसिडर्ड एज एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी में चेंज. यामुळे काय होतं, इस पॉइंट पे जाने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो बनता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही एक कांस्टेंट है, इसलिए बॉडी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती रहती है. क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया एक्स के लिए. अभी वाई के लिए क्या होगा, देखो वी वाई इक्वल्स टू बनेगा यू वाई, कितना है यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, क्योंकि ए वाई को हमने क्या बोला है, माइनस जी बोला है. मतलब किसी भी टाइम इंटरवल के बाद में अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी. फक्त काइनेमेटिकल इक्वेशन्स है, एक एक स्टेप मध्ये हा फक्त डेटा आपण तिथे पुट करत चाललेलो आहे, नवीन काहीच नाही. ठीक आहे, पुराय क्लियर? तो नाउ ऑनवर्ड, जब तक प्रोजेक्टाइल की बात चलेगी तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी टाइम इंस्टेंट के बाद में कहीं पे भी कैलकुलेट करनी तो कितनी होगी, यू कॉस थीटा. लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यहाँ पे टी आ रहा है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, अब कैसे चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी. अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. एक्स के अलॉन्ग है इसलिए यू एक्स होगा एंड ये ए एक्स होगा. फिर से वही बात, ए एक्स कितना है तो ये प्लस की टर्म आएगी नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन बनेगा यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी. सेम वे अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. बस ये वाई के अलॉन्ग लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखो वाई इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा. तो ये बनेगा यू इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस ऑफ, ये प्लस का माइनस क्यों बना, क्योंकि ए वाई माइनस ऑफ जी था. ठीक है, तो ये क्या बनेगा आगे, वन टू थ्री फोर, ये चार फॉर्मूले, ये दो कंडीशन. प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इनसे हम सॉल्व कर सकते. आगे जाके हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूले भी डिराइव करने वाले हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट वो भी डिराइव होंगे फ्रॉम दिस कंडीशंस ओनली. तो अगर ये मालूम है वो फॉर्मूले भूल भी गए तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, हर बार यही फॉर्मूले आपको आंसर कैलकुलेट करके देंगे. ठीक है, देखो फिर से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेंस कॉन्स्टेंट, कितना रहेगा यू कॉस थीटा स्टार्ट टू एंड तक, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा और चेंज हो रहा है इसलिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा यू साइन थीटा माइनस ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें मालूम था कि अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्पीड इनटू टाइम. तो एक्स के अलॉन्ग वही लिया है स्पीड इनटू टाइम, बस स्पीड यू कॉस थीटा थी, बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट्स व्हाई वाई इज गिवन बाय यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. बाकी सारे रिमेनिंग फॉर्मूले इनके ऊपर से हम डिराइव करने वाले. हे 100% एकदम भारी कळेपर्यंत, भारी वाटत नाही तोपर्यंत त्याला बघा, विचार करा त्याच्यावर, कारण हे जर जेवढं जास्त क्लिअर होईल तेवढं प्रोजेक्टाइल सिंपल होईल. सांगितलं कन्सेप्च्युअल पार्ट बसित नाही आहे, आगे जाके बस क्वेश्चन की प्रॅक्टिस करणी आहे, जो सेकंडरी पार्ट आहे ते सिंपल आहे एकदम. क्लिअर झालं सगळं, स्टँड अप. हाऊ टू कॅल्क्युलेट डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाईल मोशन, तिकडे बघू नको, माझ्याकडे बघ. एक्सलंट आन्सर, व्हेरी गुड, सिट डाउन. सोमेश स्टँड अप बेटा. हाऊ टू कॅल्क्युलेट व्हेलॉसिटी आफ्टर एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम टी अलॉंग हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, यू कॉस थीटा. नाही, टाइम टी नंतर किती असेल, टू टी के बाद में क्यू. व्हेरी गुड, एक्सलंट, सिट डाउन. चैताली स्टँड अप. हाऊ टू कॅल्क्युलेट डिस्प्लेसमेंट इन व्हर्टिकल डायरेक्शन अलॉंग व्हर्टिकल. बरं, ठीक आहे, तिकडे बघून सांगायचं मग काय अर्थ काय त्याला, तिकडे नको बघू, इकडे बघ. यू साइन थीटा मायनस जी टी, व्हेरी गुड. हे काय आहे, डिस्प्लेसमेंट अलॉंग व्हर्टिकल, है ना, असं नाही ना बेटा. सिट डाउन, परत एकदा व्यवस्थित बघ, स्टेप बाय स्टेप. व्हेअर इज प्रिया, हां स्टँड अप. डिस्प्लेसमेंट अलॉंग व्हर्टिकल डायरेक्शन,
गुड मॉर्निंग, झोप लागली होती का? सिट डाउन स्वाती, स्टँड अप. डिस्प्लेसमेंट अलॉंग हॉरिझॉन्टल, तिकडं बघून नाही सांगायचं ना. नाही, सिट डाउन. कांचन, डिस्प्लेसमेंट अलॉंग व्हर्टिकल डायरेक्शन. व्हेरी गुड, सिट डाउन. चैताली, कळालं का काय क्वेश्चन होता, काय आन्सर आहे? तू व्हेलॉसिटी सांगते मला, मी डिस्प्लेसमेंट विचारलं आहे. निकिता, स्टँड अप. नाही, अगोदरच नाही, तू बस खाली. व्हेलॉसिटी, तू स्टँड अप. व्हेलॉसिटी अलॉंग हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर एनी टाईम टी, यू कॉस थीटा, अँड टू टी नंतर. सिट डाउन. हे बघा परत एकदा फ्रॉम स्टार्ट. जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे, सबसे इम्पॉर्टंट पॉइंट क्या है प्रोजेक्टाइल में? ए एक्स जीरो होगा, ए वाई माइनस जी होगा. अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड इज गिवन बाय यू कॉस थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? स्पीड इंटू टाइम, यानी यू कॉस थीटा इंटू टी. वही अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन है, इसलिए वेलोसिटी बनेगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड डिस्प्लेसमेंट बनेगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी का स्क्वेयर. बस एवढंच आहे, हे चारच फॉर्मुले आहेत. हे एक्स के अलॉन्ग, ये वाई के अलॉन्ग, ये किसके लिए? वेलॉसिटी आफ्टर एनी टाइम टी. ये किसके लिए? आफ्टर एनी टाइम टी. ये अलॉन्ग, ये लिहून झालं आहे का? सगळ्यांना क्लिअर झालं आहे? चलो वैष्णवी, स्टँड अप. वेलॉसिटी अलॉन्ग वाय, ये इनिशियल हो गई आफ्टर एनी टाइम टी. नाही, बरोबर आन्सर तुझं. नाही, ते झालं, आता नवीन क्वेश्चन आहे. आफ्टर एनी टाइम टी वाय वाय मायनस, हळूहळू. सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन. कन्फ्यूज व्हायला लागलं की शांत बसून घ्यायचं, ठीक आहे ना? अजून कन्फ्यूज नाही करायचं. सौरभ, क्लिअर सब? अब देखो आगे, एकदम सिंपल पार्ट आहे. हमें प्रोजेक्टाइल सिलेक्टेड नेक्स्ट कुछ क्वांटिटी उनको डिराइव करना, ये क्लियर है सबको? किसी को कन्फ्यूजन नहीं है? असेल तर ॲटलिस्ट लिहून घ्या. डाऊट विचारा लेता ना, सर हे नाही कळालं, एवढा डाऊट पाहिजे. सर काहीच नाही कळालं म्हटलं की मग यायचंच नाही, कळालं ना. चलो अब कंडिशन क्या है देखो, यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर आता है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट डाउन, टाइम ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट, फ्लाइट, एफ एल आय जी एच टी. टाइम ऑफ लाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब? वेरी गुड, राइट डाउन. टाइम ऑफ फ्लाइट द टाइम इंटरवल अप टू विच प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल वॉज इन स्पेस. मतलब कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल स्पेस में था, उस टाइम को बोला जाता है एज ए टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट में होगा क्या, बोर्ड पे ध्यान दो. बॉडी यहां से निकल के फिर से यहां पे आ गई, इसका मतलब जहां से निकली थी बॉडी वहीं पे आ गई. कहां पे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए एप्लीकेबल है स्टेटमेंट? एकदम हळूहळू, जोपर्यंत क्लियर होत नाही तोपर्यंत विचार करा त्याच्यावर. बॉडी जहां से निकली ती वहीं पे आ गई, बट ये एप्लीकेबल वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए? वर्टिकल के लिए. समझ में आ रहा है ना, सेम लेवल पे आ गई. इसका मतलब जब अपना पाथ प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करता है तो वाई बनता है जीरो, और ये होने के लिए जो टाइम लगा उसी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है. वाई इक्वल टू जीरो, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी. हमारे पास वाई का एक ही फॉर्मूला था, कुठे गेला? इकडे. समझ में आ रहा है? तो बस ये डेटा वहां पे पुट करना है हमें. क्या होगा देखो, y जीरो है मतलब जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा एज इट इज रहेगा, इनटू कौन है स्मॉल t की जगह पे कैपिटल t, माइनस ऑफ हाफ ऑफ g इंटू कैपिटल t का स्क्वेयर. क्लियर या तक? हे आपलंच इक्वेशन है ना, आपल्याला चांगलं माहित झालं. आता यामध्ये फक्त आपण हा डेटा पुट केला, वाय इक्वल टू जीरो स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल t. क्यों पुट किया? क्लियर है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है.
और टाइम कितना लगा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अपन कैपिटल टी बोल रहे हैं। अब ये माइनस निगेटिव वाली टर्म इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे टी टी, हमें टी चाहिए, तो ये टी इक्वल्स टू क्या होगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बाय जी। हे नवीन काही केलं की था अपन, ये चार फॉर्मुले फक्त, बस वो आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दी कि मोशन कंप्लीट हो गई, मतलब बॉडी ग्राउंड पे आ गई, उसको टाइम कितना लगा, तो ऐसे करके ये डिराइव हो गया। ये डिराइव कैसे किया ये भूल गए तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है, टू यू साइन थीटा बाय जी। टू यू साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी, टू यू साइन थीटा बाय जी, टू यू वेयर टू इज द नंबर, यू इनिशियल म्हणण्यापेक्षा वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया। ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड और दो कंसेप्ट आती है, जिसको हम बोलते हैं एक टाइम ऑफ एसेंट एंड दूसरा आता है टाइम ऑफ डिसेंट। राइट डाउन टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मतलब हमने थ्रो करने के बाद मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। यानी देखो, यहां से बॉडी निकल के जब तक ए तक आ रही है, यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लगता है उसको बोला जाता है टी सफिक्स ए, यानी टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा था। डिफाइन कैसे करेंगे, करो, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट। अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसको डिराइव करने के लिए देखो कंडीशन क्या है, जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे मतलब यहाँ पे जाएगी, इसका मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, इसलिए वो फर्दर और ऊपर नहीं जा रही है। जैसे नॉर्मल 1D में हमने देखा था कि चॉक थ्रो किया, यहाँ पे जाने के बाद वो नीचे आ गया, क्यों, उसकी वेलोसिटी जीरो बन गई थी, समझ में आ रहा है ना, वही केस यहाँ पे हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो बन गया, इसलिए वो वहां से फिर से नीचे आ रहा है। यानी VY जब जीरो बनेगा तब का टाइम मतलब कौन होगा, टाइम ऑफ एसेंट होगा, ठीक है। तो VY का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है, बस उसमें यही पुट कर दो, VY तो जीरो हो गया, U साइन थीटा एज इट इज है, माइनस ऑफ G इंटू T रिप्लेस्ड बाय होगा TA, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या बनेगा फॉर्मूला, U साइन थीटा बाय G, हो गया क्लियर। अब बाद में देखो, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था टी, टोटल टाइम यहां से निकल के यहां तक आने के लिए कितना लगता है टी, उसमें से अगर हम टी ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी डी मिलेगा, समझ में आ रहा है, मतलब टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट माइनस टी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, टी डी हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टू यू साइन थीटा बाय जी माइनस टाइम ऑफ एसेंट कितना है, यू साइन थीटा बाय जी, ये कौन है, टाइम ऑफ डिसेंट, अशी सब्ट्रैक्शन होते का, होते ना, क्या होगा, यहाँ पे भी यू साइन थीटा बाय जी है, यहाँ पे भी यू साइन थीटा बाय जी है, दोनों को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2-1, यानी टाइम ऑफ डिसेंट के लिए फॉर्मूला आ गया u साइन थीटा बाय जी, ये कौन है, तो इन दोनों को देख के क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, कब तक होता है ये एप्लीकेबल, जब तक एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना, और वो हम पूरे सिलेबस में दो ही केस में कंसीडर करते हैं, एक 1D में एक स्पेशल केस थी तब, एंड सेम हमें वर्क पावर एनर्जी में एक बार रिक्वायर्ड होगा तब, बाकी इन ऑल केसेस हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट ही करते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट अगर इक्वल है तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी ए, या फिर टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी डी, या फिर टी ए प्लस टी डी इक्वल्स टू कैपिटल टी, कहीं पर लिख सकता कहीं फर्क पड़ा। या फिर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन टू, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। परत इत अपन नवीन कहीं नहीं किया, सारी कंडीशन ये चारों इक्वेशन के ऊपर से आ रही है। बस हमने देखा कि बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तब का टाइम रिक्वायर्ड था, फॉर्मूला मालूम है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर है, अभी टाइम की बात हो गई। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। फिर से वही कंडीशन आ गई, देखो ये प्रोजेक्टाइल है और वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट, ये जितनी मैक्सिमम हाइट वहां पे अटेन कर रहा है। तो फिर से सिचुएशन हमें मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद प्रोजेक्टाइल के साथ में क्या होगा, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बिकम जीरो, यानी वी वाई जीरो बन जाएगा। क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एच चाहिए, यह चाहिए मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसके लिए हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या होगा, बस जो y था ये रिप्लेस्ड बाय h हो जाएगा, करते हैं ना, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, इसलिए y रिप्लेस्ड बाय h, vy इज इक्वल्स टू जीरो था, यहाँ पे vy है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते वहां पे t पुट कर सकते, t मतलब कौन है, टाइम ऑफ एसेंट है ना, ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा वो, बस ये दोनों पुट करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट कितना था u sin थीटा बाय g, अगर ये दो डेटा पुट करेंगे इस इक्वेशन में देन यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर h, एक मिनट इसमें भी h नहीं है, नहीं कर सकते इसमें h, और v square equal to u square minus 2gh उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी करेंगे फिर बाद में वो भी करेंगे। देखो यहाँ पे y replaced by h होगा इक्वल टू कौन है, u sin थीटा into t, t कौन है, तो u sin थीटा into u sin थीटा, 2u sin theta, u square sin square theta, u square sin square theta by g, minus of, कौन है, half into g into t square, t मतलब कौन, u sin theta by g, उसका square मतलब, मुझे है 1 by 2 into 1 by g, ये बाजू में, t का square कर रहे हैं मतलब क्या होगा, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर, ए वन बाई जी नहीं है, ये इंटू जी है। क्लियर, करो सिंप्लीफाई अब। हे कळलं का काय केलं आपण, फॉर्मूला कौन सा है, u sin theta t minus half of gt square, इसमें सिर्फ y को h बोला है and t को u sin theta by g बोला है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक जी आता सरल सरल है, 1 माइनस 1 बाय टू, 1 माइनस 1 बाय टू, क्योंकि यहाँ पे u square sin square theta by g तो कॉमन आएगा, यानी h के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है u square sin square theta upon 2g, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, u square sin square theta upon 2g। Clear? अब second और एक formula है, उसके ऊपर से हम derive कर सकते हैं kinematical equation का, कौन सा, v square equal to u square plus 2as होता है लेकिन acceleration minus है, तो ये minus 2g, इधर लेना है तो y बनेगा, ये u y, ये u y, सेम इक्वेशन अगर यहाँ पे यूज करना है तो क्या बनेगा, देखो y रिप्लेस्ड बाय h होगा एंड vy कितनी लेनी पड़ेगी, जीरो, करो फिर क्या होगा, एंड यहाँ पे uy तो मालूम है कितनी होती है, u sin थीटा, ठीक है, तो पुट करेंगे क्या होगा, देखो जीरो का स्क्वायर, uy का स्क्वायर कर रहे हैं, uy कितना है, उसका स्क्वायर मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस कौन है, 2g into h, तो माइनस टर्म इधर आएगी प्लस होगी, मतलब ये 2gh इक्वल्स टू बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी h इक्वल्स टू आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सेम है दोनों, फर्क नहीं पड़ता है किस इक्वेशन से डिराइव कर रहे हैं, कड़ा ला ना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम,
मोशन इन ए प्लेन पड़ रहे और मोशन इन ए प्लेन का एप्लीकेशन है तो सगळं मोशन इन ए प्लेन में जस्ट तेज ही तो ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट आ गई देन टाइम आ गया, उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब वेरी गुड इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब कंडीशन क्या है देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है म्हणजे हमें म्हणजे मग काय करायचे आपल्याला, एक्स फाइंड करायचे ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी करना पड़ेगा। फक्त डिफरेंस काय होईल, टी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल टी होगा। क्यों? प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन कंप्लीट करके आ रहा है मतलब टोटल टाइम लगेगा ठीक है। तो कैपिटल टी कितना था कुणाल? कुणाल प्रथमेश 2u साइन थीटा बाय जी। अब इसको पुट करके सिंप्लीफाई करना है तो x को क्या बोलेंगे, रेंज है मतलब r बोलेंगे। तो r इक्वल्स टू ये u cos थीटा पहले से था इनटू क्या आ रहा है 2u sin theta by g, क्या बन रहा है फिर 2u cos of theta into sin theta by g, ये कौन हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है। बट 2 sin theta into cos theta ये किसका एक्सपेंशन है? sin 2 theta। हे माहित नसेल की फरक पडत नाही असं ठेवलं तरी चालेल, कारण तसा फॉर्मुला बनवून वाईल सॉल्विंग क्वेश्चन आ गए हमें उसको ऐसे स्प्लिट करना पड़ता है, तो ये भी रिमेंबर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू टू यू का फक्त यू यू इंटू यू यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये बन गए रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ठीक है। म्हणजे आपण नवीन काहीच नाही केलं, हे सकाळचे फॉर्म्युले होते चार यांनाच खेळत बसलेले ठीक आहे। मतलब नया कुछ भी कन्सेप्च्युअल पार्ट हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी कितने हो गए फॉर्मूले अभी, वो 6 एंड ये 4 10 ठीक है ना, यही पूरा प्रोजेक्टाइल है। असं वाटतं आपल्याला उद्यापासून कळेल प्रोजेक्टाइलमध्ये काय काय येतं अजून, बट बेसिक पार्ट में इतना ही है, ये 100% प्रिपेअरच पाहिजे, हे व्यवस्थित कळालं लर्न असले तर नेक्स्ट पार्ट खूप सिंपल आहे, नाहीतर उद्यापासून मग डोकंच नाही चालणार काय चालू आहे बोर्डवर म्हणून ठीक आहे ना। चलो हो गया क्लियर। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है डिफाइन किया, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सारी बातें डिस्कस की। उसके बाद में देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी होता है, इसलिए क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी वेलोसिटी, वर्टिकल में यू साइन थीटा माइनस जी टी। हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो यू कॉस थीटा इंटू टी, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी का स्क्वेयर। ये चार इक्वेशन आ गए, उनके ऊपर से फिर हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए हमें, रेंज कितनी थी, रेंज यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट चाहिए एच, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू जी, वेरी गुड। उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी, देन टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, इतना ही है ठीक है। अब लास्ट में हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है ना? ये क्या हो गई
ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय हैंड, समझ लेना। बस यहाँ पे ये चौक क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ट्रैजेक्टरी मिल गई। वैसे ट्रैजेक्टरी मतलब प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस। तो प्रोजेक्टाइल स्पेस में कौन सा पाथ फॉलो करता है, उसके ट्रैजेक्टरी का पाथ का इक्वेशन अगर चाहिए तो हमें y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इन टू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, यही इक्वेशन चाहिए। बस यहाँ पे हमें टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा, टाइम नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम को रिप्लेस करने के लिए हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू क्या है, u cos थीटा इन टू टी, तो t क्या बनेगा, x बाय यू कॉस ऑफ थीटा। अगर इस t को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इन टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यू यू एक्स इन टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ, देखो ये वन बाई टू जी एज इट इज है इन टू टी का स्क्वेयर कर रहे हैं, मतलब तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर में जी है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो ये जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यहाँ पे टू है, इसका स्क्वेयर करना है, टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंड ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, इसलिए प्रोजेक्टाइल क्या करता है, स्पेस में पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। ख्याल पवन, ट्रैजेक्टरी म्हणजे रस्ता, पाथ कोणता फॉलो केला, तू घरी जातो ना, कोणत्या रोडने जातो, स्टेशन रोड, मग स्टेशन रोडला तुझी ट्रॅजेक्टरी झाली, नाही कळलं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज के लिए आपका वर्क है मोशन इन ए प्लेन के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कल वेक्टर तक हो गया था हमारा, तो आज प्रोजेक्टाइल करना है, ठीक है। तो